हे गाइस, दिस इज़ आयुष एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग एक फ्री वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी एक फ्री डोमेन के साथ। सो गाइस, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को गूगल में जाना है एंड सर्च करना है प्रो फ्री होस्ट। देन आप लोगों को यहाँ पर कुछ लिंक्स मिलेंगे, आप लोगों को पहले लिंक पर क्लिक कर देना है जो कि है profreehost.com। सो यहाँ पर एक क्रिएट अकाउंट का पेज आ रहा है रजिस्ट्रेशन का। सो मैंने पहले से ही कर रखा है, आप लोग कर लेना रजिस्ट्रेशन। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ लॉगिन पर एंड मैं लॉगिन कर लेता हूँ मेरे अकाउंट में। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है एंड यहाँ पर कोई भी चीज़ मैंने अभी क्रिएट नहीं किया है। सो मैं यहाँ से एक यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया है। सो यहाँ पर मैं क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पर गाइस मेरे को क्रिएट न्यू वेबसाइट का एक फॉर्म आ रहा है। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ना, मेरे एक डोमेन दे देता हूँ, कुछ भी मैं दे देता हूँ, अभी इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये एक सब डोमेन है। सो मैं यहाँ पर मैं कुछ एंटर कर देता हूँ। देन यहाँ पर दो ऑप्शंस आ रहे हैं, आप लोग कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना। मैं अभी A0 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अगर आपके पास पहले से ही कस्टम डोमेन है तो आप लोग कस्टम डोमेन पर क्लिक कर देना है एंड आप लोगों को ये जो नेम सर्वर साइड में दिख रहे हैं इनको जाके अपने डोमेन प्रोवाइडर के पास चेंज कर देना है DNS सेटिंग्स में। ओके, देन मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देता हूँ एंड मेरा अकाउंट अभी क्रिएट होना शुरू हो गया है। इसमें 2-3 मिनट का टाइम लगेगा, आप लोग रिलोड कर लेना एक बार। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है, हमारा जो होस्टिंग है वो एक्टिव हो चुका है। सो नाउ हम लोग क्या करते हैं ना, इस डोमेन पर एक बार चले जाते हैं। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस का एक मैसेज आ रहा है। सो नाउ मैं यहाँ पर कंट्रोल पैनल पर क्लिक कर देता हूँ। सो यहाँ पर मेरे को कंट्रोल पैनल की ओर ये लेके जा रहा है। यहाँ पर कुछ अप्रूव वगैरह का आ रहा है, मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा जो सी पैनल है वो ओपन हो चुका है। नाउ यहाँ से आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी फाइल्स वगैरह एडिट वगैरह कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मतलब कुछ भी आप लोग कर सकते हैं आपके हिसाब से। तो हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस को। तो पहले हम लोगों को एक डोमेन रजिस्टर करना पड़ेगा, एक फ्री डोमेन। अगर आप लोगों के पास पहले से ही है तो उसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, आप लोग जस्ट आप लोगों को नेम सर्वर्स चेंज करना है। अदरवाइज़ आप लोग फ्री में भी डोमेन्स को रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन वो टॉप लेवल डोमेन्स नहीं होंगे, वो गाइस .ga.ml.tk ये सब डोमेन्स होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको .tk डोमेन रजिस्टर नहीं करना है, आप लोगों को .gaml इस तरीके के डोमेन करना है। ओके, तो आप लोग को सबसे पहले आ जाना है गूगल में एंड सर्च कर लेना है फ्री नोम। मैंने इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाना। ओके, सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा फ्री नोम ओपन हो रहा है। सो गाइस यहाँ पर कुछ लिंक्स आ रहे हैं, आप लोगों को सबसे पहला लिंक पर क्लिक कर देना है फ्री नोम। देन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ना, ओके, सो मैं पहले यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने ये सब पहले से कर रखा है, मैं आप लोगों को सिर्फ बता रहा हूँ। सो आप लोगों को ये सब कर लेना है, लॉगिन वगैरह आप लोगों को कर लेना है, साइनअप वगैरह। सो मैंने पहले ही कर रखा है तो टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पर मैं सर्विसेज पर क्लिक कर देता हूँ एंड रजिस्टर एंड न्यू डोमेन पर मैं क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैं एक डोमेन नेम दे देता हूँ जैसे कि आयुष आर कोडर। देन यहाँ पर मैं बहुत सारे डोमेन्स आ रहे हैं, मैं सारे के सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर तीनों को सिलेक्ट करके चेकआउट पर क्लिक कर दूँगा एंड आप लोग को एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब ये डोमेन परचेस हो रहा है तभी आप लोगों को यहाँ पर जो इसका लिमिटेशन है ये 3 मंथ्स का होगा, आप लोगों को उसको 12 मंथ्स कर लेना है। ये 12 मंथ्स के लिए फ्री है, उसके बाद आप लोगों को पैसे देने पड़ेंगे। ओके,
तो मैं कर लेता हूँ ये चीज़। एंड ओके, सो मैंने 3 डोमेन रजिस्टर कर लिए हैं। एंड ये जो .tk वाला है वो नहीं लेने वाला है, ओके आप लोग ये मत करना। सो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ iusrcoder.ml को, ओके। सो मैं क्या करता हूँ ना, पहले नेम सर्वर्स का पेज ओपन कर लेता हूँ एक बार, ओके। देन मैं क्या करता हूँ, अपने प्रोफ्री सी पैनल पे जाता हूँ। देन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ना, एलियास का एक ऑप्शन है पार्ट डोमेन, मैं सिंपली उसमें क्लिक कर देता हूँ। एंड यहाँ पर मैं डोमेन नेम दे देता हूँ, मेरा डोमेन नेम जो भी है। एंड वंस ये हो गया, मैं ऐड पार्ट डोमेन पर क्लिक करके ये जो नेम सर्वर से इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। एंड हमारा जो काम है वो यहाँ पर हम चले जाते हैं प्रो फ्री होस्ट सी पैनल में। एंड हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते करते यहाँ पर एक आ रहा है सॉफ्ट कुलर्स, हम लोग वहाँ पर क्लिक कर देते हैं। एंड यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो गया है, यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे CMS दिख रहे हैं, मैं वर्डप्रेस पर क्लिक कर देता हूँ। एंड यहाँ पर आप लोग को डोमेन सेलेक्ट कर लेना है, मैं अपना डोमेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड आप लोग चाहे तो इसको फुल्ली इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से क्विक इंस्टॉल कर सकता हूँ। बस अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी में ही मेरा जो वर्डप्रेस है इनिशियल सेटअप कर दूँ, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सब नहीं चाहता हूँ। एंड मैं क्विक इंस्टॉल पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर मैं अपना डिटेल्स फुलफिल कर देता हूँ एंड क्लिक कर देता हूँ, ओके। सो यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, ओके। सो नाउ हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। एंड अब हम लोग वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाते हैं। सो नाउ हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी में है। आप लोग प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं, पोस्ट ऐड कर सकते हैं, थीम्स ऐड कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो यस, आप लोग को जस्ट एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों के ब्लॉग में ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है तो ये जो ये वेबसाइट है ना वो डिलीट भी हो सकता है। सो यस, अगर आप लोग के पास पैसे हैं तो आप लोग कोई अच्छा सा होस्टिंग ले लेना, जो कि थोड़ा सा बजट में भी आता होगा, होस्टिंगर का एक है, तो वहाँ पर आप जाके परचेस कर सकते हैं। ये सिर्फ टेस्ट पर्पस के लिए ही है, यहाँ पर आप लोग टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं यहाँ से कि किस तरीके से काम वगैरह होते हैं। सो आई होप कि गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो गाइस मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।